सब्सक्राइब टैग टीवी यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन पट ब्रेन बस्ट में आपका फिर स्वागत इस वीक में जैसे कि आगे भी कई बार मैंने आपको रिक्वेस्ट किया है कि टैग टीवी जो है वो आपका अपना टीवी है इस टीवी की बुनियाद जो है वो एक सच्चाई पर बनाई गई थी और सच्चाई का मतलब यह है कि बेबाक होकर आप जो सच समझते हैं वो टीवी पे पर कह सकें किसी के इन्फ्लुएंस में ना आकर किसी कारपोरेट के इन्फ्लुएंस में आकर किसी पॉलिटिकल पार्टी के इन्फ्लुएंस में ना आकर बल्कि जो आप सोचते हैं उसको आप लोगों के सामने पेश कर सकें अपने हिसाब से इसलिए टैग टीवी को आप सबका बहुत ज़रूरत है आप हमेशा टैग टीवी वालों को कांटेक्ट करने की कोशिश करें फाइनेंशियल हेल्प की बड़ी सख्त ज़रूरत होती है हमेशा की तरह आज इस प्रोग्राम को हम दो डिफरेंट हिस्सों में बांटेंगे ये हम एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं और वो टॉपिक है किस तरीके से पाकिस्तान आइसोलेट होता जा रहा है अपने ही मुस्लिम वर्ल्ड में और अपने ही अरब वर्ल्ड में टोटल आइसोलेशन कैसे होती है उसकी जा रही है इसके ऊपर बात करेंगे क्या पाकिस्तान सिर्फ चाइना के ऊपर ही बैठा रहेगा या उसको अपने और दोस्तों की भी ज़रूरत है जिसमें सऊदी अरेबिया उनको मैक्सिमम हेल्प देता रहा आज तक अमेरिका भी देता था लेकिन सऊदी अरेबिया ने उनको आज तक मैक्सिमम हेल्प की क्या ईरान के साथ वो अपने रिलेशनशिप बढ़ाकर ये महसूस करवाना चाहता है दुनिया को कि देखिए मैं ईरान के साथ भी दोस्त हूँ और सऊदी अरेबिया के साथ भी दोस्त हूँ ये तो मैंने आज तक नहीं देखा कभी भी कि दो जो आपस में दुश्मन हैं आप उनके साथ दोस्त रह सकें दैट्स नॉट पॉसिबल अभी कल इमरान खान साहब ने ना एक बहुत बड़ा बढ़िया मैंने बयान पढ़ा उनकी तरफ से बढ़िया होता है और मुझे लगता है किसी वक्त की कि ये अपनी जो नाकामयाबियाँ या, है या बेवाकूफ़ी हैं वो अपने बयानों में शो करते हैं उन्होंने बयान दिया ताहिर साहब कि मेरी वजह से मैंने मेडिएट किया बिटवीन ईरान एंड सऊदी अरेबिया नहीं तो लड़ाई हो जानी थी अब ये अब बताइए कितना बड़ा उन्होंने क्लेम किया कि मेरी वजह से सऊदी अरेबिया और ईरान की लड़ाई नहीं हुई और आप और मैं जानते हैं कि सऊदी अरेबिया ईरान को देखने के लिए भी राजी नहीं है दैट्स वेरी क्लियर दैट्स नंबर वन नंबर टू अब सऊदी अरबिया पिछले कई दिनों से फ़ॉरन मिनिस्टर क्रेशी सऊदी अरबिया के पीछे पड़े हुए हैं कि जो उनकी संस्था है जिसमें फिफ्टी सेवन के करीब कंट्रीज़ हैं कि उनकी फॉरन मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए हिंदुस्तान को कंडेम करने के लिए ऑन दी रिमूवल ऑफ थ्री सेवेंटी ख़ैर मैं यहाँ ये यह बता दूँ कि उन्होंने आपको भी पता होगा सबको जो हमारे लिसनर देखने वाले हैं कि उन्होंने यूनाइटेड नेशन में तीसरी बार कोशिश की और तीसरी बार फेल हो गए और अब वो कोशिश कर रहे हैं कि नहीं एक बार फिर जो है वो अरब कंट्रीज जो हैं वो मिल के ये कहें कि हिंदुस्तान जो है उन्होंने बड़ा गलत किया और उसको कंडेम करें सऊदी अरेबिया इस वक्त चेयरमैन है उनका और वो नहीं मीटिंग कॉल कर रहा अब कुरैशी साहब ने ये कह दिया कि अगर सऊदी अरेबिया कॉल नहीं करेगा तो पाकिस्तान अपने इंडिपेंडेंट लेवल के ऊपर उनकी मीटिंग कॉल कर लेगा बड़ी हैरानी वाली बात है कि पाकिस्तान की इतनी बड़ी इंपॉर्टेंस हो गई लेकिन इसके बीच में क्या बात है मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा मैं ताहिर साहब को बीच में लेके आऊँगा कि अब लेटेस्ट जो डेवलपमेंट हुई है ये ज़रा बड़े ध्यान से बड़े गौर से सुनने वाली चीज़ है क्योंकि इसका अफेक्ट आने वाले टाइम के ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ने वाला है इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन्स के ऊपर क्योंकि सऊदी अरेबिया जो है वो डिटर्मेंड है टू अब इन्वेस्ट इन इंडिया मोर दैन इवन थिंक ऑफ पाकिस्तान तो इन दो चीज़ों के ऊपर बात करते हैं ताहिर साहब ये जो लेटेस्ट सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान से अपना कर्ज़ा मांगना शुरू किया है मैं तो पहले समझता ये मुझे आज पता चला वो कर्ज़ा देते थे पहले मैं समझता हूँ वैसे ही पैसा देते थे है? लेकिन जो कर्ज़ा उन्होंने मांगना शुरू किया वापस और चाइना ने भी कर्ज़ा मांगना शुरू किया वापस इफ़ नॉट कर्ज़ा एट लीस्ट इंटरेस्ट वापस करना शुरू करो तो यहाँ पर पाकिस्तान की क्या हालत होगी देखिए डॉक्टर साहब बात यह है कि पाकिस्तान को पहले भी सऊदी अरबिया कर्ज़ा ही देता था अमदादे दे तो बहुत कम मिला करती थी अच्छा ठीक है वो चूँकि कंट्रीज़ के इंटरेस्ट होते हैं ठीक है पहले उनको कुछ ना तो कुछ अमदाद मिल जाया करती थी अब वो भी नहीं मिलती उसकी एक वजह और सब ये कोई ओवर नाइट नहीं हुआ जो सऊदी अरब का प्रेशर बना है सऊदी अरब जो ख़बरें अंदर की हैं और वो अब ओपन सीक्रेट भी बन चुकी हैं सऊदी अरब पाकिस्तान से बड़े अरसे कह रहा था जब से ख़ास पर इमरान खान की हुकूमत आई है कि ये आप चीन के बारे में जो अपनी हीटविट है सॉरी जो भारत के बारे में जो आपकी गर्मी है इसको ज़रा कम करें और बयानबाजी को ख़त्म करें चूँकि सऊदियों को अंदाज़ा था और है कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है ना ये पाकिस्तान की जो जो है ना पब्लिक कंजम्पशन के लिए स्टेटमेंट्स का पाकिस्तान को कोई फ़ायदा है और ना उस रीजन में सऊदियों को पता था हम काम कर सकेंगे फिर खासतौर पर पाकिस्तान के साथ तो काम नहीं कर सकेंगे अच्छा सऊदी अरब बड़ा इंपॉर्टेंट कंट्री है सऊदी अरब जब कोई एक्शन लेता है तो ये जो गल्फ की स्टेट्स हैं वो नॉर्मली उसको फॉलो ही कर फॉलो ठीक है।, है कतर की लीडरशिप के साथ उनकी एक वो सऊदी लीडरशिप का एक ईगो का मसला होता है वो कुछ मसले अमेरिकन ने सेटल करवाए हैं लेकिन अलमो तो चलते रहते हैं वो, वो तो ह्यूमन छोटी ठीक है कंट्री लेकिन सऊदी अरब इंपॉर्टेंट कंट्री है अब अब जो पाकिस्तान का प्रॉब्लम है पाकिस्तान अमेरिका की गोद में नहीं जाना सॉरी चाइना की गोद में नहीं जाना चाहता मैं हर बार कहता हूँ लेकिन पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं बची इमरान खान जो मर्जी स्टेटमेंट देते हैं जो मर्ज़ी कहते रहे ये बहुत कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिकन किसी तरह हमें वापस अपनी गोद में ले लें ले। लेकिन अमेरिकन ले नहीं रहे अब देखिए एक दो बिलियन डॉलर तो अमेरिकन के लिए क्या मसला है ठीक है ना वो आपके सामने कोविड का मसला चल रहा है वो उन्होंने थ्री ट्रिलियन डॉलर से स्टार्ट किया अपना सेटअप ठीक है ना थ्री ट्रिलियन डॉलर मींस थ्री थाउजेंड बिलियन डॉलर ये मैं आपको बता दूं कि फिफ्टी अगर छोटे आप कंट्रीज ले लें तो उनकी थ्री ट्रिलियन जीडीपी नहीं है बिल्कुल नहीं अच्छा तो इस सारी सूरत हाल में अमेरिकन जो हैं वो आ, इस सिचुएशन में पाकिस्तान को अब एक्सेप्ट नहीं कर रहे तो उनका भी यही कहना अमेरिकन का भी कि भाई अब ये प्रूव हो चुका है कि बहुत सारे जो टेररिज्म की प्रॉक्सीज और टेररिज्म के जो काम हैं वो आपके सॉइल से फूटते हैं तो यू हैवन डन एनी थिंग सिग्निफिकेंट टू स्टॉप दम बल्कि हमें एक ना अजीब गरीब किस्म की स्टेटमेंट देते हो कि हमने आपकी वजह से दहशतगर्दी की जंग में जंग लड़ी हमारे बंदे मारे गए तो वो कहते हैं, पैसा भी तो हमने दिया था ना आपको ना ये कारोबार करते हमारे साथ ठीक है ना बड़ी सिंपल सी बात है तो अब ये जो सारी है ना पब्लिक कंजम्पशन के लिए ये सारी बयानबाजी के हमारे सत्तर हज़ार बंदे मर गए भाई ये बंदे अमेरिकन से नहीं मरवाए आपने खुद मरवाए हैं ना ना आप उनके साथ करते आपके सत्तर हज़ार बंदों की तो दूर की बात है वो बेचारे लाखों लोग पश्तून एरिया में डिसप्लेस हो चुके हुए हैं right. और चलिए अमेरिकन भी निकल गए जंग जंग से आप आज आज भी रोज बंदों को मार रहे हैं चाहे बलोच हों पश्तून हो सिंधी हो तो डोंट टॉक लाइक डैट मतलब ये जो एहकाना बातें हैं ये पहले आप पब्लिक कंजम्शन के लिए जब दुनिया के लीडर किया करते थे तो उस जमाने में डॉक्टर साहब मीडिया नहीं होता था वो अपने उर्दू लैंग्वेज में छप रहा है पब्लिक को अमेरिकन को भी पता चलता था आज से तीस पैंतीस लोग कहते थे यार कोई बात नहीं अब इमरान खान साहब की ट्वीट आती है तो पूरी दुनिया के आगे वो एक अहमकाना स्टेटमेंट आती है तो अब कोई अमेरिकन के लिए भी चांस नहीं रहा कि वो इनको कंट्रेल करें इस सारी सिचुएशन में एक तो सऊदीज़ को ये बहुत था कि भाई आप हमारी बात ही नहीं सुनते फिर डॉक्टर साहब दूसरा बड़ा फैक्टर यू हुआ कि ओ जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस है जो जिसमें ओवर फिफ्टी कंट्रीज हैं उन उनके खिलाफ एक ब्लॉक मलेशिया में बनना शुरू हुआ जिसे पिछले दिनों टर्की भी ठीक है अच्छा उसमें इमरान खान साहब भी वन ऑफ द की स्पीकर्स थे right. जब सऊदियों ने डांटा और कहा कि भाई फिर पैसे दो सऊदी सौ, तो आज दुआज यही कह रहे हैं ना कि एक तो पैसे बंद बांधे दूसरा जो दियो है वो वो वापस, वापस चूंकि सऊदी अरब ने सिक्स पॉइंट थ्री बिलियन डॉलर का पैकेज दिया था थ्री बिलियन डॉलर थे इसमें कैश इनको वो जो इनके रेजर्व थे तो उस, उसके लिए जिसे कहते हैं ना सिटिंग लोन ऐसा नहीं था कि ये खर्च भी कर सकते हैं उसको ये भी इंपॉर्टेंट बात है वो ऐसा लोन था कि ये वहाँ रहना था बैंक में हाँ, के पास मतलब हाँ, जो इनका जो खजाना है बिल्कुल अच्छा उन पर भी थ्री पॉइंट समथिंग का परसेंट का लोन था अच्छा इसके अलावा थ्री पॉइंट थ्री जो थ्री पॉइंट रफली जो अमाउंट है वो था कि हम हम उधार तेल देंगे अच्छा मैं आ, अच्छा सऊदी अरब ने वो भी देने से एक तरह से रिलेक्टेंट हो गए आउट ऑफ कंटेक्ट पूछ रहा हूँ कि सऊदी अरेबिया और मुस्लिम रिलीजन में तो ये कहा हुआ है कि आपने इंटरेस्ट ना देना ना लेना है हाँ जी तो फिर सऊदी अरेबिया नहीं, नहीं।, नहीं पाकिस्तान की पूरी के पर चलती है ना वो भी है वो तो ऐसे नहीं, ही। भी भी। मैं वैसे कर सऊदी अरेबिया की रचीम तो इंटरनेशनल नॉर्म्स के मुताबिक ट्रेडिंग और बिजनेस करते हैं ठीक है ना जी पूरी दुनिया में उनका पैसा लगा हुआ है इंटरेस्ट की बेस पे भी लगा हुआ है कारोबार की बेस पे भी लगा हुआ है और वो जो इंटरेस्ट की डॉक्टर है सऊदी अरब का क्या है वो तो मैं भी एग्री करूंगा इस बात से इंटरेस्ट की वो डेफिनेशन तो है ही नहीं सूद जैसे हम कहते हैं ना हाँ। सूद तो वो ये होता था कि आपसे मैंने पैसा लिया और मेरी को मजबूरी है ठीक है जी मैंने एक बच्चों की शादी करनी है या कोई दो आपसे पैसा उसकी कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है तो उस पर इस्लाम की थी शिक कि आप इस पर इंटरेस्ट ना लें ना लें लेकिन अगर मैंने आपसे पैसा लेके प्रॉपर्टी ली और उसमें से मैंने 25 परसेंट कमाया दो साल में तो आपको भी 10 परसेंट दिया तो ये ये सूद नहीं है इस पर तो इस्लाम के स्कॉलर्स भी कह रहे हैं कि ये तो बिजनेस है ये तो कारोबार है बड़ी इंटरेस्टिंग है ये लेकिन ये बिल्कुल जो, जो नहीं नहीं ये जो क्लैरिटी हुई है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है राई, क्योंकि आमतौर पर मैं जिन लोगों से बात करता हूँ वो मेरे से यही पूछते हैं जी आप प्रोग्राम करते हो लेकिन उनमें तो ये है कि बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेना लेकिन यहाँ पर कहता जी मुस्लिम कम्यूनिटी जो है वो बाकायदा इंटरेस्ट पर पैसे देती है डॉक्टर साहब वो मैंने बिल्कुल हाँ। किया इस्लाम के बहुत बढ़िया बढ़िया स्कॉलर्स ने ये कहा हुआ है कि जब आप बिज़नेस पर्पस के लिए पैसे ले रहे ठीक है ना जब आपका उसमें इंटरेस्ट है और आप पैसे जनरेट कर रहे हैं तो या तो आप फ़िक्स किए बग़ैर पैसे दे दें कि जनाब जितना प्रॉफिट होगा आपका इतना शेयर होगा या आप उसको फ़िक्स भी करते कर सकते हैं ये इस्लाम के स्कॉलर्स वो अदर यूनिवर्सिटी इजिप्ट से लेके पाकिस्तान की बहुत सारी जो स्कॉलर्स हैं वो ये बातें कह चुके हुए हैं ये ऑलरेडी ऑन रेकट है लेकिन फिर ज़ाहिर इस्लाम को अपनी मर्जी से फिर इंटरप्रेट करता है हर कोई फ़िरका हर कोई जिस जो मफाद होता ये गलत बैठे ठीक है लेकिन सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को ये कह रहे हैं कि आप ये हीट अगेंस्ट इंडिया अनिली ये बंद करें सेकेंडली ये जो टेररिज्म का कारोबार बारे बंद है पाकिस्तान उनसे कहते हैं जी हमने भी तो वो काम शुरू किया था अलकायदा वाला उसमें भी तो आपके लोगों का यार वो काम जब हुआ था वो क्या ख़त्म हो गया मूव ऑन वो मैं जरूर थी उस वक्त आपको भी तो पैसे मिले ना वो जो रशिया के गैस हाँ वो कहते हैं कि भाई आपको भी तो पैसे मिले थे ना कोई आम, आ, हमने आपसे मुफ्त काम तो नहीं करवाया था ना यू आर द बिगेस्ट बेनिफिशरी फॉर दैट यू कॉन्ट द मनी यू योर इंस्टीट्यूशन तो मूव ऑन नाउ ठीक है अब तुम तो एक ही बात को हमारे ऊपर चढ़ाते रहोगे तो पहले तो फिर अपने अप, अपने पास रिसोर्स इकट्ठे कर करो मतलब वो नहीं। है नहीं पाकिस्तान के पास अब सऊदी अरब को एक मसला तो ये चला आ रहा था भारत की वजह से ये ये बहुत बड़ा फैक्टर है अच्छा पाकिस्तान का खासतौर तो पर पिछले एक साल से दबाव था कि ओ आई सी की बुलाएं ओ आई सी उसमें ना सिर्फ सऊदी अरब ने बल्कि दीगर कंट्रीज ने भी कहा कि भाई हम इस पर कोई इंटरेस्टेड इंटरेस्टेड नहीं है ठीक है ना बल्कि हम इसमें ये इंटरेस्ट है कि तुम अपनी अप, अपना मुंह खाम खाना खोला करो तुम्हें उसका कोई फायदा नहीं कृषि साहब का जो पॉइंट था ना वो ये पॉइंट था कि जो पांच अगस्त है जी जी उस पर ये कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए राइट चलिए वो तो नहीं हुई लेकिन उन्होंने उसको यूनाइटेड नेशंस की तीसरी बार एक साल में कॉन्फ्रेंस हुई इसी बात पे सिक्योरिटी कांसेप्ट की तीसरी बार और वो भी चाइना की कहने, कहने पर बिल्कुल ठीक लेकिन हर बार तीनों बार इनको मुंह की खानी पड़ी वहां वाँ पर उन्होंने यही रणनीति कहा कि दिस इज योर बायलैटरल इशू वी विल नॉट इंटरफेयर एंड प्लीज डोंट कम अगेन ये 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 बात उनको समझ नहीं आती देखिए वो ओआईसी में भी नाकाम होते हैं यू एन एस सी नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग्स में काम होती है अभी ये जो रिसेंटली दो दो दिन पहले वाक़ा हुआ ठीक है, है ना उसमें उन्होंने वाकई यू एन सी एस सी वालों ने कहा कि जनाब इस पर हमारे पास कोई टाइम नहीं है चूँकि ये ये हमारे वो है ही नहीं मसला ये हमारे वो मैंडेट में नहीं आता ठीक है या कबाइल अटल है लेकिन उस पर भी बेशर्मी बे के तह देखिए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की और ये जो पपेट है बड़े लंबे अरसे पपेट है शाह महमूद कुरैशी पाकिस्तान की ठीक है वो तो जो गवर्नमेंट आती है के हाँ, वो आ, अच्छा वो वो ये पाकिस्तान की अवाम को चूरन बेच रहे हैं कि जनाब वो हो, हो हम बड़े कामयाब हो गए यू एन सी ने इसको टेबल करने में वो उन्होंने कहा कि आप एजेंडे पे तो लाए हैं लेकिन उसको एजेंडे से बाहर निकालो यू एन एस सी ने कहा कि नहीं, नहीं, तो it. It नहीं, नहीं, मेरा मतलब पाकिस्तान की वजह से कहा कि भाई ये आपका हम एजेंडे से बाहर निकाल रहे हैं लेकिन ये अभी भी कह रहे हैं कि हम बड़े कामयाब हो गए ये ये कह रहे हैं डॉक्टर साहब दो दिन से कि हम बहुत कामयाब हो गए इसको ले आए हैं ठीक है ना जी <laughs> क्योंकि वो यू में कहीं कह दिया गया हां जी कश्मीर की ये एक और करारदाद आई है जो हमारे एजेंडे में नहीं आती बाईलेटरल है तो ये ये समझ रहे हैं कि इससे वो एजेंडे पर आ गया खैर इससे ये पाकिस्तान की आवाम को कितना बेवकूफ बना रहे हैं इसका अंदाजा एक फैक्टर तो ये है यू में नाकाम ओ आई सी नी बात सुन रहा फिर अब रह गया वो आ, आ, टर्की और मलेशिया अच्छा मलेशिया ने कोई बात सुनी थी मलेशिया भी अब खामोश है कश्मीर पे वो एक दफा बात करने के बाद पाम ऑयल की जो डील खराब हो हाँ। गई ना इंडिया से उसके बाद मलाइशिया ने भी तोबा उनका भी निकलो सारे उनके उनके अपने उस, उसको जेल में डाला तो वो तो अच्छा वो भी चैप्टर डॉक्टर वो अभी फुल फिलहाल जो है ना वो भी फॉर द टाइम बींग क्लोज है ठीक है अब रह गया टर्की टर्की का आपको पता है जो प्रेसिडेंट है वो ख़ुद एक मीटर आदमी है आ, अच्छा तीसरा मसला जो बन रहा है ना जो तर, ये, ये सऊदियों को खटक रहा है अभी तो चार बड़े मसले हैं ती, तीसरा मसला सऊदियों को खटक रहा है कि ये तुर्की की ये जो गुंदगा रहा है ठीक है ना जी और वो तुर्की एक नई खिलाफत दोबारा से बनाना चाहता है और एक और क्रेज़ी आदमी जो दान के पीछे चल के और ये फिर पाकिस्तान में सबको कह रहा है इमरान खान भी कि जी आप तुर्की ड्रामे देखें क्योंकि ये हमारी हेरिटेज है अच्छा ये ये ऐसा ही समझता ये इसके माँ, इसकी माँ इसकी खाला इसके जो है वो जलंधर और अमृतसर के लोग हैं इमरान खान और ये ये तुर्की से ना अता तुर्क अच्छा बदकिस्मती देखें कि अता तुर्कपाशाह का मैंने नाम ले लिया एक जुमला कहूंगा अता तुर्कपाशाह ने ये जो इस्लामिक को वहां पर खत्म किया वो अपनी तरह का एक और तरह का खतरनाक नेशनलिस्ट था नहीं। नहीं। उसने आर्मीनियंस का नेशनल किया ठीक है वो अपनी जगह पर कोई बहुत अजीम लीडर नहीं था बर एटलीस्ट उसने इस्लामिक जो एक्स्ट्रीमिज्म थी उसका खात्मा किया था अच्छा इनको ये नहीं समझ आती पाकिस्तान की लीड्स को कि भाई अता तर्क के पीछे जाना है या अर्दगान जैसे मौलवियों के पीछे जाना है चूंकि अता तर्क और अर्दगान की पॉलिसियां जो हैं, मतलब वो बिल्कुल मुख्तलिफ है ठीक है अच्छा ये लेकिन चूंकि इनको हेरिटेज वो होती है कि हम जरा लंबे चौड़े हैं सफेद हैं ठीक है ना जी तो हम शायद तुर्की वालों से अपना आप जोड़े उनको ये नहीं पता कि नॉर्दर्न भारत के जो भारतीय हैं आप और मैं भी हैं हम भी <laughs> खुदा का और भगवान का शुक्र है कि लम्बे चौड़े <laughs> ये पश्तून ये समझ रहे कि नहीं हमारे लिए <laughs> हाँ, वो हालांकि ये रीजन से होता ना डॉक्टर साहब जो नॉर्दर्न इलाके हैं वहाँ का रीजन और अच्छा वो नहीं समझ रहे इस बात को वो जोड़ेंगे फट से जाके है ना कि अच्छा एक तो ये सऊदियों को तब थी और है और फिर ये ईरान का जो नया जिसको मैं पंजाबी में लफ्ज है क्रूड सा लफज है जो पंगा है ये इसमें घुसा है पाकिस्तान पाकिस्तान का नेचुरल अलाइंस ईरान के साथ बनता ही नहीं मैंने पहले भी आपके साथ बात की वो दो तीन रीज़न से एक तो पाकिस्तान की मेजोरिटी पॉपुलेशन सुन्नी है और पाकिस्तान में शिया मसला काफ़ी है दूसरा इनका लाइंस मिडल ईस्ट से और सऊदी अरब से बड़ा पुराना है क्योंकि मुझे तो ये ख़तरा आजकल तो हर कोविड है वैसे ही दुनिया के आलात ख़राब हैं बहरहाल जब भी आलात ठीक होते हैं तो अब तो सऊदियों ने पाकिस्तानी लेबर को वहाँ से ख़त्म कर देना है अगर इसी तरह पाकिस्तान का रवैया सऊदियों के साथ चलता रहा तो सऊदी तो आपको पता है, फिर सऊदी है वो भी बहुत स्ट्रापन है। नहीं उन्होंने तो लाखों लाखों वापस भी भी कर दिया हिंदुस्तान भेज भेज दिए और ठीक है वो तो खैर कोविड की वजह से एक है लेकिन वो जब कभी हालात बेहतर हो गए तो वापस <laughs> भी तो जाना है ना उनको तो लेबर चाहिए ना सर <laughs> सऊदी तो काम नहीं करेंगे ना थोड़ी पॉपुलेशन का कंट्री है तो वो फिर इधर से नहीं आएंगे ये इनको अंदाजा नहीं कि लॉन्ग टर्म ये कितने बड़े मसले का शिकार है अब ये चौथा मसला ईरान के साथ ऑन बोर्ड आ रहे हैं मजबूरी है इनकी अब एक बिलियन डॉलर जो कल का वाक्य है इन्होंने एक बिलियन डॉलर चीन से लिया चीन वैसे पहले सूद भी मांग रहा है चीन और भी पैसा देगा कि भाई ताकि तुम मुकम्मल शिकंजे में आओ ना जितना दबाव बढ़ता चला जाएगा तो फिर मुकम्मल शिकंजे में आएगा पाकिस्तान को अंदाजा है इस बात का लेकिन कोई सलूशन नहीं है उनके पास ऑप्शन नहीं है पर अंदाजा होते हुए वो ये नहीं समझते कि हमारे इर्द गिर्द जो है जंजीर बढ़ती जा रही है जैसे हम हमारा जकड़ता जा रहा है यू नो दे विल नॉट बी एबल टू कम आउट ऑफ इट एट ऑल डॉक्टर दो दो हैं एक तो इशू है कि जो इस्टेब्लिशमेंट का माइंड सेट है वो वो चेंज नहीं हो रहा भारत के हवाले से न, वो उसी तरह का ऑब्सेशन है क्योंकि पाकिस्तान की इस्टबलिशमेंट की एग्जिस्टेंस ही इंडिया एंटी, पर एंटी इंडिया ठीक है नंबर एक नंबर दो ये जो ये जो डफर प्राइम मिनिस्टर आया है इमरान खान न, इसका मसला ये है कि एक तो ये इस्टेबलिशमेंट की हर बात सुनता है न, और फिर ये हीरो आदमी है और ये अकल कुल समझता है जिस समझ तक आए मैट मतलब मैं हर चीज़ जानता हूँ उसकी वजह से ये चूंकि उनकी वजह से आया है तो ये वाकई ये समझता है कि इसकी जो ट्रांसफॉर्मेशन हुई है ना ये जो न्यू मुस्लिम हुआ है नया हाँ। मुसलमान बना है हाँ। इसकी, इसमें ये वाकई समझता है कि मुझे अपनी आइडेंटिटी अरबों की बजाय तुर्कियों के साथ ढूंढनी चाहिए अफानियों के साथ ढूंढ नहीं सकता चूंकि अफगानिस्तान के साथ इनकी टसल है तो हालांकि इसका नाम खान है वो मंगोलिस्तान से खान आने वाले जो लोग हैं जो कहीं जलंधर में बसे होंगे मतलब इनके बकौल ठीक है हालांकि वो भी एरिया भारत की पुरानी सिविलाइजेशन से मिला हुआ है ठीक है लेकिन चलिए मैं उस बहस में नहीं जाता अब ये है कि ये इमरान खान ये एक नेरेटिव बिल्ड करता है कि कोई बात नहीं चूंकि ये रिएक्शनरी आदमी है हम सऊदी अरब के बगैर जिंदा रह लेंगे पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट कहती है कि सऊदी अरब तो पहले ही भी नहीं दे रहा कुछ अगर ये इमरान खान और हमारे जो खास पपेट हैं शाह महमूद कुरैशी अगर ये कहते हैं तो फिर रह लेंगे चूंकि हमें तो पहले भी सऊदी आजकल नहीं दे रहे हैं ना हाँ। लेकिन उनको ये नहीं पता कि इस तरह तल्लक नहीं बिगाड़ते अच्छा चाइना के साथ अब ईरान का जो हुआ अब पाकिस्तान उनकी गोद में जा रहा है इसलिए पाकिस्तान के पास ऑप्शन नहीं है डॉक्टर साहब आज आप पाकिस्तान को ऑप्शन दे दें सऊदी अरब और अमेरिका कहें कि हम आपको अपनी जोली में लेते हैं पाकिस्तान फौरन निकल आएगा लेकिन पाकिस्तान का प्रॉब्लम यह है कि वो एंटी इंडिया हेटर से बाहर नहीं आता ना नहीं आता जिसकी वजह से चाइना सॉरी सऊदी

पर वहाँ पर चीज़ें खरीदने के लिए भी कंज्यूमर के पास पैसा होना चाहिए पाकिस्तान में कंज्यूमर के पास इस वक्त पैसा नहीं है टू बाय थिंग्स तो अल्टीमेटली फिर क्या फिर ये कौन सी पॉलिसी है कि ये ये सोचना कि जी हमें तुर्की और ईरान के साथ ज़्यादा फ़ायदा रहेगा हाँ सऊदी अरेबिया को जाता तो जाने था। नहीं नहीं, वो एक्स्टोप इनका फैसला है उनको अगर

अब ये इनके पास फिर कोई चॉइस नहीं है पाकिस्तानी इस्टेबलिशमेंट के पास कोई चॉइस नहीं है ये फिर अमेरिकन आ, से निकल के चाइनीज़ की गोद में जा रहे हैं ये जानते हुए कि चाइना का अगला जो वार होगा कुछ सालों बाद वो ये होगा कि अच्छा जी आप हमें ये ज़रा ग्वादर तो दें अलग लेकिन वो दुनिया नहीं करते देखी ये मैं आपको बात बता दूँ ये इतना ईजी नहीं है चूंकि वो जो अमेरिकन अब वहाँ पे बैठ गए हैं पैसिफिक ओशन में और साउथ चाइना सी में वो ऐसा नहीं होने देंगे क्योंकि उनके इंटरनेशनल इंटरेस्ट से मुतासर होते हैं नहीं लेकिन गादर के ऊपर अगर ये बात होगी वो कहता है पाकिस्तान जी आप ले लो आर्मी कहती है अब ले लो ठीक है तो क्या वहाँ पर वो लड़ाई कर देंगे बिल्कुल पार्शल जहाँ होगी डॉक्टर डक, साहब ये मैं आपको लिख के देने को तैयार हूँ बिल्कुल पार्शल होगी चलिए देखते हैं आने आने वाले टाइम के ऊपर अभी तो मेरा ख्याल बहुत इंटरेस्टिंग बातें आनी हैं अभी तो और पता गया अभी तो पहली बार सऊदी अरेबिया ने कहा कि हमारे पैसे देने शुरू करो फर्स्ट टाइम और बड़ा ही अर्जेंट कहा तो really? चाइना ने, ने दिया है खबर ही पाकिस्तान का मीडिया भी बता रहा है और पूरी दुनिया का मीडिया बता रहा चाइना ने इनको एक बिलियन डॉलर दिया भाई आप ठीक जिससे हमारा और बार बढ़ेगा <laughs> अच्छा चाइना के लिए एक बिलियन डॉलर तो कोई रकम नहीं है ना हाँ इस वक्त नहीं है नहीं, क्योंकि क्योंकि बाकी की दुनिया में तो आप उनका खर्चा रहा नहीं नहीं, नहीं, नहीं डॉक्टर बात ये है कि चाइना अगर 400 बिलियन डॉलर ईरान के साथ फॉर नेक्स्ट <laughs> वो कितने 25 फाइव कर सकता है तो उसमें भी वो 16 बिलियन डॉलर तो साल के हैं ना तो पाकिस्तान के साथ तो उनकी अभी तक जो जो उन्होंने दिया हुआ है इतने सालों में प्रैक्टिकली बीस बाईस बिलियन डॉलर चाइना ने दिया हुआ है और उसमें भी चाइना ने वो सारी की सारी अपनी कंपनियाँ खड़ी की थी वहाँ पर कंस्ट्रक्शन की वो जो सोलह बिलियन दिया है इनको उनमें से चौदह बिलियन नहीं तो चले दस बिलियन तो चाइना को वापस चलना गया अपनी कंपनियों के जरिए ही और पाकिस्तान पे बाईस बिलियन डॉलर प्लस इंटरेस्ट का लोन हो गया तो ये शिकंजा है चाइना राइट right था मेरे बड़े पाकिस्तानी पेशेंट्स हैं वो मुझे बताते हैं कि जहाँ कभी कोई चाइनीज़ नज़र नहीं आता था अब आपको वहाँ पर पाकिस्तान में चाइनीज़ नज़र आते हैं जी घूमते हुए और अपने शान से चलते हैं जैसे कि वो ज़्यादा सुपीरियर हैं इस तरीके से उनकी शान है एक तो सबसे पहले आपको पता है कि दुनिया का इलेक्शन जो होता है उसके ऊपर सबकी नज़र होती है लेकिन जब अमेरिका का इलेक्शन होता है तो उसके ऊपर ख़ास नज़र होती है हर एक की अब अमेरिका का इलेक्शन जो है वो सिर पर आ गया है अभी तीन महीने से कम रह गए हैं तीन नवंबर को बाकायदा वोटें पड़नी है अभी तो वोटों के ऊपर भी ये प्रॉब्लम चल रही है कि क्या वोट जो है वो बाय मेल एक्सेप्ट की जाए या ना की जाए उसके ऊपर भी जो इस वक्त प्रेसिडेंट हैं ट्रंप साहब उन्होंने काफ़ी झगड़ा डाला हुआ है कि ये जो जो कुछ भी हो रहा है हाँ, ये ठीक नहीं हो रहा क्योंकि इसमें फ्रॉड होता है। देखिए अगर हम देखें मैं ये समझता हूँ कि जो डाक का मेल जो मेल प्रोसेस था वो बकायदा जब सिविल वार हुई थी उससे पहले शुरू हो गया था लेकिन सम और अदर आज तक उसके ऊपर बहुत ज़्यादा शिकायतें नहीं हुई लेकिन जो प्रेजेंट प्रेसिडेंट ट्रंप साहब हैं वो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा शिकायतें कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं मैं इसको नहीं मानूँगा वो यहाँ तक भी कह रहे हैं अभी उन्होंने एक बयान दिया कि एक लाख वोट जो है एक एक स्टेट में जो है वो बाकायदा डुप्लीकेट होती है बल्कि उन्होंने तो इससे भी बड़ी फिक्रें दी खैर एनी वे अमेरिका का इलेक्शन है अमेरिकन जो लोग हैं जी उनको अपना कॉन्स्टिट्यूशन संभालना आता है अपनी वोट डालनी आती है लेकिन आज हम अमेरिका को इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि अमेरिका का जो आने वाला फ्यूचर है ट्रंप साहब की पॉलिसीज़ तो सारी दुनिया को अब पता है कि उन्होंने पिछले चार साल में क्या किया लेकिन अगर बाई चांस किसी तरह से वो इलेक्शन नहीं जीते क्योंकि इलेक्शन इज़लवेज अनप्रडिक्टेबल कोई इलेक्शन में ये कह दे कि नहीं जी नहीं इलेक्शन जो है ये कोई अनप्रडिक्टेबल नहीं होता ये तो मैं किसी के पास मैं समझता हूँ कि कोई ऐसा जादू तो है नहीं कि वो ये कह दे कि नहीं जी नहीं ये जैसे मैं कहूँगा वैसे ही होगा वैसे एक प्रोफेसर हैं एलन लाइटमैन वो 1980 से प्रडिक्शन कर रहे हैं प्रेसिडेंट्स के बारे में और उन्होंने एक ना बड़ा सिस्टम बनाया हुआ है उसमें वो तेरह उन्होंने अपने लिखावटें वो तेरह उन्होंने अपने असूल बनाए हुए हैं उसमें से छः सात जिधर हो जाए उधर की वो बात कर देते हैं ही वॉज़ द फर्स्ट मैन जिन्होंने ये कहा था आज तक उन्होंने जिस भी प्रेसिडेंट के बारे में बात की वो प्रेसिडेंट जीता है बाई दीवी नाइनटीन एटी से लेके आज तक 40 साल हो गए उन्होंने ट्रंप के बारे में जबकि सारी दुनिया कह रही थी इंक्लूडिंग माई सेल्फ कि ट्रम्प साहब नहीं जीतेंगे लेकिन ही वॉज़ द फर्स्ट मैन हु सेड नो ट्रम्प इज़ गोइंग टू विन एंड हैंनरी इज गोइंग टू लूज अब उन्होंने ये कल प्रोडिक्ट किया है ताहिर साहब से पूछेंगे वैसे मैं इतना प्रोडक्शन में बिलीव नहीं करता लेकिन कल उन्होंने कहा कि नहीं इस बार ट्रंप साहब जो है वो इलेक्शन हारने जा रहे हैं आज हम दो चीज़ें करेंगे अगर ट्रंप साहब जीतते हैं तो उसका वर्ल्ड के ऊपर क्या इफेक्ट होगा खास करके जो चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है या चाइना के अगेंस्ट जो इस वक्त वर्ल्ड होता जा रहा है उस पॉलिसी पर साउथ चाइना की पॉलिसी के ऊपर और अगर बाइडेन साहब आ जाते हैं तो उनकी पॉलिसी से चाइना को क्या बेनिफिट होगा या ये जो पॉलिसीज़ इस वक्त की बनी हुई हैं जो कि चाइना के अगेंस्ट पॉलिसीज़ बनी हुई हैं क्या ये जारी रहेंगी या नहीं रहेंगी ज़्यादा टाइम ना लेता हुआ मैं इसी में क्योंकि मैं महसूस करता हूँ कि प्रेसिडेंट कोई भी बने जो पॉलिसीज़ एक बार बन जाती हैं वो तकरीबन चलती रहती हैं बहुत चेंज होती है जैसे कि हमने देखा था कि ओबामा के टाइम के ऊपर ही वाज कन्विंस्ड कि उनका ईरान के साथ न्यूक्लियर टेस्टिटी होनी चाहिए नॉट ओनली ही वॉज़ कन्विंस्ड इवन यूरोप के कंट्रीज जो थे वो भी सारे के सारे कन्विंस्ड थे लेकिन वो रिजल्ट आते ही ट्रम्प साहब ने उसको ट्री को ख़त्म कर दिया एक बहुत बढ़िया ट्रीटी मैं समझता हूँ कि दुनिया में आने वाले टाइम के ऊपर जो क्लाइमेट है वो बहुत बड़ा अफेक्ट करेगा लेकिन इन्होंने वो क्लाइमेट की ट्रीटी भी तोड़ दी वो कहते हैं कि क्लाइमेट जो है ये ह्यूमन मेड है अपने आप ठीक हो जाएगा तो इन सारी बातों के ऊपर क्या इसका इफेक्ट होगा ताहिर साहब को बीच में जोड़ते हैं और ताहिर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी थे, थैंक यू डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपने अमेरिका पे बात छेड़ी उससे पहले मैं थोड़ा सा व्यूज़ को याद दिला दूँ चूँकि आपने टैग टीवी की तरफ तो से मैसेज दिया तो हमसे अगर रब्ता किया जा सकता है टैग टी कैनेडा एट जी मेल डॉट कॉम सॉरी जी और दूसरा ये कि जो हमारी वेबसाइट है टैग टी वी डॉट इन्फो उस पर आप जा सकते हैं देख सकते हैं यूट्यूब तो आप देखते ही हैं डॉक्टर साहब जो आपने ये जो मसला उठाया अमेरिका का इसमें देखिए इस वक्त के जो इलेक्शन है अगर हम इस पर फोकस करें और डिफरेंट तरह की प्रोजेक्शन आ रही हैं डिफरेंट तरह के पोल्स आ रहे हैं सब प्रोजेक्शन और पोल्स में ज़्यादातर यही बताया जा रहा है कि ट्रम्प साहब ये इलेक्शन लूज़ करेंगे जैसा कि पिछले इलेक्शन में ज़्यादातर प्रोजेक्शन में ये था कि ये लूज़ करेंगे मगर वो जीत गए लेकिन इस बार सूरत हाल क्या होती है वो वाकई बड़ी सेंसिटिव है आज कनाडा में कल से शोर मचा हुआ है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प ने वो एक तरह से जो डील थी एलोमिनियम टैरफ की उस पर फिर रिवर्स किया ठीक है तो प्रेजिडेंट ट्रम्प बिलाशुबा एक अनप्रडिक्टेबल प्रेजिडेंट हैं लेकिन अमेरिका में चॉइस क्या है आप देख लीजिए जो, जो बाइडन का दो तीन दिन से दोबारा से ही चल रहा मसला कि वो स्पेनिश कम्युनिटी और ब्लैक कम्युनिटी के सब बारे में जो उन्होंने स्टेटमेंट दी उन्होंने कहा कि स्पेनिश कम्युनिटी को कि आप बहुत बिखरे हुए हैं ब्लैक कम्युनिटीज़ की तरह एक नहीं है उन्होंने चंद महीने पहले जो बाइडन ने कहा था कि जो मुझे वोट नहीं देगा वो, वो नहीं ठीक है तो ये मतलब अनप्रिडिक्टेबिलिटी जो है वो दोनों तरफ है आ, आ, बहुत ज़्यादा जो बाइडन को ट्रम्प साहब हाँ, स्लीपी जो बाइडन कहते हैं वैसे उनकी तकरीर सोने उनके जलसों में आ, को उनके जलसे जो आजकल थोड़े बहुत कोविड के ज़माने में हो रहे हैं जो वर्चुअली होते हैं उसमें भी देखे वाकई वो सोए सोए लगते हैं तो ट्रम्प साहब टारगेट किए हुए हाँ, हैं कि रेडिकल लेफ्ट आ जाएगा लेकिन अमेरिका बहुत पॉलराइज है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है और उसमें अब इलेक्शन मैं तो सच्ची बात यह है कि इलेक्शन के रिज़ल्ट आने तक यकीन से नहीं कह सकता कुछ मतलब इतनी क्लोज टाइज है ये मेरे नज़दीक अमेरिकन जो मीडिया बता रहा है जो पोलस्टर बता रहे हैं उनके मुताबिक तो ये है कि नहीं सदर ट्रम्प काफ़ी बिहाइंड है दस से पंद्रह पॉइंट्स बिहाइंड है मतलब डिफरेंट टाइम में ये पॉइंट्स कम चेंज होते हैं लेकिन जो अहम बात है जो आपने की कि इसका इम्पेक्ट क्या होगा जो भी जीतता है क्या अमेरिकन पॉलिसीज़ जिस तरह आप ट्रंप साहब उनको कर रहे हैं आगे डायरेक्ट कर रहे हैं क्या इसी तरह चलेगी ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन जैसे चाइना के ख़िलाफ़ वो एक रिएक्शन आ रहा है अमेरिकन से इन्वेस्टिगेशन खुल रही हैं बी आई की और चाइना की इन्फ़िलट्रेशन चाइना की इकनॉमिक जो इंडिसक्रिपेंसीज़ हैं वो एक्सपोज हो रही हैं क्या ये सिर्फ ट्रम्प का पर्सनल या ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन का पर्सनल डिसीजन मैं नहीं समझता ये आ, अमेरिका की जो इस्टेबलिशमेंट है वो ये कर रहे हैं फाइंड आउट एफ बी आई के जो डायरेक्टर है उन्होंने खुल के कहा पिछले दिनों कि भाई दो हज़ार से ज़्यादा फाइलें खोल रहे हैं वो तो एफ बी आई ने तो रहना है ट्रंप साहब रहे ना रहे वो तो हमेशा से अमरीका अम, में हैं लॉ इन्फोर्समेंट का एक बहुत बड़ा इदारा है इसी तरह सी आई ए जो है या जो दूसरे जो वहाँ के लॉ इन्फोर्समेंट के इदारे हैं इंटेलिजेंस के इदारे हैं वो लगता है कि चाइना के बारे में भी अब क्लियर हो चुके हैं कि हमें इसको कटेल करना है साउथ एशिया पर जाहिर सी बात का तो इम्पेक्ट होना है अगर चाइना वहाँ पर डॉक्टर साहब कटेल होगा तोाहिर वो उनका जो स्ट्रैटेजिक अलाइंस इस वक्त बाहर से बना हुआ है और मज़ीद बन रहा है इतना मज़बूत अलाइंस हमने पास में नहीं नहीं वो जो बन रहा है वो ऑफ कोर्स उस रीजन में बहुत बड़ा फ़र्क डालेगा आप ये देख लेंगे पाकिस्तान के साथ अमेरिकन पहले ज़्यादा ऑन बोर्ड होते थे अब उनको अंदाजा हुआ कि पाकिस्तान के साथ ऑन बोर्ड रहने का हम एक तो हमें कोई फ़ायदा नहीं दूसरा पाकिस्तान की तरफ से प्रडिक्टबिलिटी नहीं है इंडिया की तरफ से प्रेडिक्टिबिलिटी भी है हालांकि इंडिया स्विधन रहता है जयशंकर साहब ने पिछले दिनों फिर कहा कि हम इंडिपेंडेंट हैं और वाकई वो इंडिपेंडेंट है आप देख लीजिए ये ऐप्स वैप्स के बारे में अमेरिका तो भी बातें कर रहे हैं भारत ने तो एक्शन ले लिया था कोई अमेरिका से पूछ कर थोड़ा लिया था भारत ने उन्होंने अपने जो उनके इंटरेस्ट में था उन्होंने एक्शन लिया बल्कि अब अमेरिकन शायद भारत से बैकडोर से पूछ रहे हैं कि भाई ये जो आपने एक्शन लिया है उसके क्या, उसके, उसके क्या रिजल्ट्स रिजल्ट्स आ रहे हैं रिएक्शन क्या हुआ। क्या हाँ। क्या है हाँ। हाँ। ये हमारी इंफॉर्मेशन डिप्लोमेसी <laughs> अमेरिका बल्कि कंसल्ट कर रहा है और सदर ट्रम्प बार बार कह रहे हैं कि फोर्टी फाइव डेज उन्होंने काली कहा नहीं ये ये देखिए ये बात तो हुई कि कोई भी प्रेसिडेंट बने बेसिकली जो मेन पॉलिसीज होती हैं खास करके मिलीटरि वो वैसी रहती हैं क्योंकि पहले साढ़े तीन साल ट्रंप साहब ने भी बहुत प्यार से चाइना को अपना दोस्त समझा राइट right. बड़ी जफियाँ डाली बड़ा कुछ किया लेकिन जब उनको ये रियलाइज़ हुआ कि चाइना जो है अगर मैं चाइना की हिस्ट्री में जाऊँ फ्रॉम 1950 फिफ्टी ऑनवर्ड्स हैं जी बाडोंग सम्मेलन से लेके ऑनवर्ड्स उन्होंने धोखा ही दिया एक दिन प्रोग्राम ज़रूर करना है जी. कि किस तरीके से हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टरों को चाइना ने बेवकूफ़ बनाया लगातार राइट right. हाँ right. जी ये ये बहुत ज़रूरी है और अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि जो साउथ चाइना की सी की पॉलिसी है उसमें ये तो पक्का हो गया कि हिंदुस्तान साउथ कोरिया ऑस्ट्रेलिया जापान अमेरिका ये एक कंट्री जो है ये इकट्ठे हो चुके हैं ताइवान को भी मैं बीच में मिलाता हूँ क्योंकि ताइवान के पास बहुत ही बढ़िया फोर्स है खास करके फोर्स उनकी बहुत ही बढ़िया फोर्स है तो उनको भी साथ में बीच में बुलाते हैं तो प्रेसिडेंट चाहे बने बाइडेन चाहे बने ट्रम्प चाइना को अब वहाँ पर या तो मुंह की कहानी पड़ेगी या उनको ये पता चल गया कि दीज पीपल आर डिटर्मिंड नॉट टू अलाउ चाइना टू तो हैव इन्फ्लुएंस इन दैट एरिया उसका इम्पैक्ट जो है वो ये बताइए कि उसका जो इम्पैक्ट है साउथ एशियन और कंट्रीज़ के ऊपर जी वो जो इम्पैक्ट पड़ेगा ये तो ये तो ये पांच कंट्रीज़ हैं वो कोशिश कर रहा है पाकिस्तान को अपनी उसने बुक्ल में डाल दिया जैसे हमें पंजाबियों में बुक्ल होती है ना जी उसमें डाल लिया नेपाल को भी तकरीबन डाल लिया बाकी के जो नेबर कंट्रीज़ हैं मैं अपना बांग्लादेशी इनके ऊपर भी वो कोशिश कर रहा है उसने श्रीलंका पर कोशिश की चलो उसमें से वो बाहर निकले उन्होंने और भी दो तीन जगह पर अपने हाथ मारे तो आपको ये क्या लगता है कि बेसिकली कोई भी प्रेसिडेंट बने ये पॉलिसी तो पक्की है ना नहीं डॉक्टर ये ये पॉलिसी पक्की है आपने बात की कि वो उस पर हम जरूर किसी दिन अलग से बात करेंगे कि चाइना किस तरह भारत के तमाम प्राइम मिनिस्टर को बेवकूफ बनाता रहा सर ये भारत की बात नहीं पूरी दुनिया को बेवकूफ़ बनाता ठीक है मतलब अमेरिका जैसे कंट्री को के प्रेजिडेंट्स को वो फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम एटलीस्ट क्लिंटन से बल्कि उससे पहले मैं जाता हूं निकसन के जमाने से ठीक है हैिटी हाँ, जो है और जो जिसने ये काम गलत शुरू किया जी वो निक्सन और हेनरी ठीक है उन्होंने वहां से शुरू किया और उसके मैं इसलिए कह रहा था कि हिंदुस्तान के बारे में जब मैं कहता हूँ ना हिंदुस्तान की वजह से ये तो अभी 1949 में में हुए थे जी, 48 में जी, जी। लेकिन हिंदुस्तान की जो की नेहरू ने। है, उन्होंने इसको बहुत उभार दिया था हाँ, वो तो चलिए जब का जरूरत जब जब नहीं हाँ, थी वो तो, तो चलिए वो तो अब पास में जो हुआ सो हुआ उस पर बात भी करेंगे इस वक्त का डॉक्टर साहब जो इस वक्त का वो ये बिल्कुल दुरुस्त कहते हैं कि Uh, इस वक्त अमेरिका की पॉलिसी इस्पेक्टिव कोई भी रियलेक्ट मत चाहे सदर ट्रंप रियलेक्ट हों या वो इलेक्ट हों जो बाइडन इस्पेक्टिव अब अमेरिका की पॉलिसी और स्टैंड चाइना पे यही रहेगा इस सारी सूरत हाल में बल्कि एक और बड़ा इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव है वो ये है कि कुछ कमेंटेटर्स ये कहते हैं कि चाइना आ, पर ज़्यादा मुश्किल वक्त आएगा अगर जो बाइडन इलेक्ट हो गए सदर ट्रम्प से भी ज्यादा उसकी वजह यह है कि सदर ट्रम्प जैसे आपने पीछे का अनप्रडिक्टेबल आदमी है, है। सदर ट्रंप का कोई पता नहीं होता कि एकदम से जपी डाल डालनी ठीक <laughs> है सदर ट्रम्प ने तो उसको भी कह दिया जॉन बोल्टन को भी अभी रिसेंटली एक ट्वीट में कहा कि ये वॉर मॉन्गरिंग है चूँकि जॉन बोल्टन की किताब मैंने रिसेंटली पढ़ी है जॉन बोल्टन के बारे में जो भी आप कहें वो ये बात है कि वो एक ट्रू कंजर्वेटिव है और वो उस रीजन को समझता है जो फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी वो कहता था कि आप इस तरह आइसिस के इलाकों से अपनी फौजों को विड्रॉ ना करें वो ठीक कहता था आप अफगानिस्तान में ये मैस ना करें तो सदर ट्रंप ने तो अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए पॉलिटिकल प्रामिज के लिए और अपने अनप्रडिक्टेबल पर्सनैलिटी की वजह से ये किए हैं हमें लगता है कि सदर ट्रंप के रीअलेक्ट हो जाने से चाइना पे ज़्यादा प्रेशर होगा मुझे तो बल्कि उल्टा लग रहा है क्योंकि जॉन बोल्टन ने तो ये तक कहा और उन्होंने कहा मुझे तो ये ख़तरा है कि सदर ट्रंप को जितवाने में इनडायरेक्टली चाइना का हाथ हो सकता है इसलिए कि चाइना को सदर ट्रम्प ज़्यादा सूट करेगा Right. जो बाइडन जब अगर बना तो जो बाइडन की तो पॉलिसियां मैटर नहीं करेंगी right. वो तो बिल्कुल एस्टेब्लिशमेंट की बात सुनेंगे ये मैं आपको बता दूँ। जो एस्टेब्लिशमेंट कहेंगी वो वैसा ही करेंगे सिर्फ रेडिकल लेफ्ट का एक प्रॉब्लम है सदर ट्रंप का प्रॉब्लम ये होता है कि इन्फ्लुएंशियल बहुत होते हैं आफ्टर ऑल इज प्रेजिडेंट ऑफ स्टेट और अपने हिसाब से बात ठीक है इफ यू गेट इलेक्टेड प्रेजिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट होंगे तो ये जब ट्वीट दे देते हैं तो फिर स्टैब्लिशमेंट के लिए बेबस हो जाती है वो स्टैब्लिशमेंट अब हम क्या करें राइट ताहिर साहब ये मेरे ख्याल जहाँ तक प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है ये तो हमारे आने वाले प्रोग्रामों में ये चलता ही रहना है थोड़ा बहुत तो हमें डिस्कस करना ही पड़ना हर वीक right. क्योंकि इलेक्शन सिर पर है और सबसे इम्पॉर्टेंट इलेक्शन जो है मैं ये समझता हूँ कि ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी के ये इलेक्शन होने वाले हैं तीन नवंबर को एनी anyway, वे इसी तरीके से आप टैग टी वी के प्रोग्राम्स देखते रहिए क्योंकि ये एक प्रोग्राम नहीं होता बे डिफरेंट टाइप्स के इनके प्रोग्राम्स होते हैं और हमेशा याद रखिए कि जितने भी आप हेल्प कर सकते हैं टैग टीवी की जरूर कोशिश कीजिए टैग टी वी कैनडा एट जी मेल डॉट कॉम टैग टी वी कैनडा एट जी मेल डॉट कॉम आपका बहुत बहुत धन्यवाद द बेस्ट सब्सक्राइब टैग टीवी वी चैनल एंड प्रेस नोटिफिकेशन बटन